हेलो फ्रेंड्स, आई एम देविका एंड वेलकम अगेन टू आवर चैनल। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड इफ यू डोंट वॉच माय फर्स्ट वीडियो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज गो एंड चेक इट। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड था वो हम स्टार्ट करते हैं यहां से। नेक्स्ट वर्ड था हमारा वीक, डब्ल्यू डब्ल्यू के वीक। इट इज अ नाउन और इट्स रेफरिंग अ पीरियड ऑफ 7 days। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देर आर 7 days इन अ वीक। देर आर 7 days इन अ वीक मतलब सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और इसका जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है डब्ल्यू ई ए के वीक। वीक दैट मीन्स समवन हु आर नॉट स्ट्रांग। और इसका एग्जाम्पल है आई एम स्ट्रांग एंड माई फ्रेंड इज वीक। आई एम स्ट्रांग एंड माई फ्रेंड इज वीक। तो आई होप सभी वर्ड्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। बाकी के कुछ वर्ड्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताए हैं। नेक्स्ट वर्ड है वो है देन, टी एच ई एन देन। इट्स यूज टू इंडिकेट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है आई पैक्ड माई बैग एंड देन आई गो टू एयरपोर्ट। आई पैक्ड माई बैग एंड देन आई गो टू एयरपोर्ट। तो इसका कंफ्यूजिंग वर्ड है देन, टी एच ए एन देन। और इसका यूज किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है माय ब्रदर इज टॉलर देन मी। माय ब्रदर इज टॉलर देन मी। नेक्स्ट वर्ड है सन। सन इंडिकेट्स अ मेल चाइल्ड। सन इंडिकेट्स अ मेल चाइल्ड। इसका एग्जाम्पल है माय सन लव्स चॉकलेट वेरी मच। और इसका जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है एस यू एन सन। और सन इज अ स्टार जिसके बाहर पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगाती है, वो वाला सन। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है सन फील्स हॉट टुडे। सन फील्स हॉट टुडे मतलब आज बहुत गर्मी है या आज गर्मी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। और तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आर, एच ओ यू आर आर। इसका मतलब होता है घंटा और अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका एग्जाम्पल देखते हैं ही इज 1 hour लेट। ही इज 1 hour लेट। और इसका जो कंफ्यूजिंग वर्ड होता है वो होता है आवर। ये हम हमारा वर्ड के लिए यूज करते हैं, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव जगह पर ये यूज किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है ही इज आर सन। ही इज आर सन मतलब ये हमारा बच्चा है या हमारा बेटा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई राइट। राइट मीन्स टू नोट डाउन समथिंग। इसका एग्जाम्पल है ही इज राइट अ लेटर। ही इज राइट अ लेटर। और इसका कंफ्यूजिंग वर्ड है राइट, आर आई जी एस टी राइट। राइट मीन टू करेक्ट और टू ओके समथिंग। किसी भी चीज का सही होना को हम लोग करेक्ट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है डू यू नो द राइट आंसर। डू यू नो द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड है लूज, एल ओ एस ई लूज। लूज का मतलब होता है हारना या किसी चीज का खोना। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं प्लीज सिट डाउन अदरवाइज यू विल लूज योर सीट। प्लीज सिट डाउन अदरवाइज यू विल लूज योर सीट मतलब कृपया बैठ जाइए नहीं तो आप अपनी सीट खो देंगे। इसका जो कंफ्यूजिंग वर्ड होता है वो होता है लूज, एल डबल ओ एस ई लूज। लूज मतलब नॉट फिक्स्ड और नॉट टाइटली टू मच मतलब जो ज्यादा टाइट ना हो। शी वियर्स लूज क्लोथ्स एवरी डे। शी वियर्स लूज क्लोथ्स एवरी डे। नेक्स्ट वर्ड है फ्लोर, एफ एल ओ यू आर फ्लोर। इट मेड्स फ्रॉम ग्रेन एंड इट इज अ पाउडर। और जैसे हम लोग इसका यूज खाना बनाने के लिए भी करते हैं, आटे को फ्लोर बोला जाता है। वी नीड 2 cup ऑफ फ्लोर फॉर दिस रेसिपी। इसका कंफ्यूजिंग वर्ड है फ्लोर, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लोर। इट मीन्स अ ब्लूम ऑफ ए प्लांट। इसका एग्जाम्पल है ए फ्लोर ब्राइटन्स एनी वंस डे। ए फ्लोर ब्राइटन्स एनी वंस डे मतलब एक फूल किसी का भी दिन अच्छा बना सकता है। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड है रिजाइन। रिजाइन आर ई एस आई जी एन रिजाइन। इसका मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना या वहां से निकलना। आई विल रिजाइन आफ्टर 30 years ऑफ वर्किंग मतलब मैं अपने वर्किंग के 30 साल के बाद रिजाइन कर रहा हूं।
और इसका जो कंफ्यूजिंग वर्ड होता है वो होता है RESIGN, रिजाइन, और इसका मतलब होता है किसी चीज को दोबारा साइन करना या किसी चीज के साथ दोबारा वर्किंग करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, आई एम वेरी हैप्पी दैट शी रिजाइन मी फॉर देयर न्यू कॉन्ट्रैक्ट। आई एम वेरी हैप्पी दैट शी रिजाइन मी फॉर देयर न्यू कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वर्ड है क्वाइट, QUIET, क्वाइट। क्वाइट मीन्स साइलेंटली और स्टिल समथिंग, किसी भी चीज का चुपचाप या शांत रहना ही क्वाइट कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, द लाइब्रेरी इज नाउ क्वाइट। इसका कंफ्यूजिंग वर्ड है क्वाइट, QUIET, क्वाइट। क्वाइट मीन्स होता है कंप्लीटली या पूरी तरह से। दैट मीन्स हम लोग देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, जैसे कि ही क्वाइट श्योर दैट ही वॉज एट स्कूल यस्टरडे। ही वॉज क्वाइट श्योर दैट ही वॉज एट स्कूल यस्टरडे। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड है ले, LAY, ले। टू रीसेट समथिंग और टू रीसेटिंग समथिंग, मतलब किसी चीज को दोबारा उसी पोजिशन में रखना ही ले कहलाता है। किसी चीज को दोबारा उसी पोजिशन में रखना ले कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, आई ले द बुक्स ऑन द टेबल। आई ले द बुक्स ऑन द टेबल। और इसका कंफ्यूजिंग वर्ड होता है लाई, LIE, लाई। लाई मीन्स होता है टू टेल समथिंग अनट्रू, और इसका मतलब होता है ये भी होता है कि लेटना, एकदम स्ट्रेट पोजिशन में लेटना को भी हम लोग लाई कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखिए, आई वुड लाइक टू लाई डाउन फॉर अ व्हील। आई वुड लाइक टू लाई डाउन फॉर अ व्हील। और इस तरह से आई होप आप सबको ये सारे वर्ड्स समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड है ग्रे, GRAY और GREY, ग्रे। इन दोनों का मतलब ही ग्रे कलर होता है, जो ब्लैक एंड व्हाइट के बीच का कलर होता है। बस फर्क इतना है कि GREY, ग्रे जो है ये ब्रिटिश लोगों के द्वारा ज्यादा यूज किया जाता है और कनेडियन में भी ज्यादा यूज होता है ये। और द सेकेंड हैंड जो GREY होता है उसे अमेरिकन लोगों के द्वारा ज्यादा यूज किया जाता है, या अमेरिकन इंग्लिश में GREY का यूज ज्यादा किया जाता है। तो दोनों का अर्थ होता वही कलर से ही है, लेकिन बस इसका जगह से फर्क होता है कि कौन सी जगह क्या बोलना है और कौन सी जगह क्या। दोनों का अर्थ ही कलर होता है। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड है वन, WON। वन एक विन की सेकेंड फॉर्म है जो जीतने के लिए यूज की जाती है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, द इंडिया वॉन द IPL यस्टरडे। द इंडिया वॉन द IPL यस्टरडे। और इसका जो कंफ्यूजिंग वर्ड होता है वो होता है वन, ONE, वन। और ये तो सभी को पता है, ये तो काउंटिंग होती है 1, 2, 3 वाली काउंटिंग, जो 2 से पहले और 0 के बाद में आती है। नेक्स्ट वर्ड है अडॉप्ट, अडॉप्ट और अडेप्ट, ADOPT, अडॉप्ट। अडॉप्ट मीन्स होता है किसी चीज को लेना, लेना किसी चीज को। और इसका एग्जाम्पल है, वी आर प्लानिंग अडॉप्ट अ चाइल्ड। और इसका जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो होता है अडेप्ट, ADAPT, अडेप्ट। अडेप्ट इसका मतलब होता है किसी चीज के अंदर चेंजेस करके उसे अपने सुटेबल बनाना, अपने लायक बनाना, या अपने दोबारा उसको रीयूज करना, उसे कहते हैं अडेप्ट। और इसका एग्जाम्पल है, द मूवी वॉज अडेप्टेड फ्रॉम द बुक टू द सेम टाइटल। द मूवी वॉज अडेप्टेड फ्रॉम द बुक टू द सेम टाइटल। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड हैज एंड हैव। ये तो सभी को पता है, टेंस में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। और हैज जो होता है इसका यूज हमेशा सिंगुलर्स के लिए किया जाता है, और हैव जो होता है उसका यूज प्लूरल्स के लिए किया जाता है। तो चलिए इसका एक एक एग्जाम्पल देखते हैं दोनों के। तो शी हैज अ अपॉइंटमेंट विद अ क्लाइंट एट 10:30। शी हैज अ अपॉइंटमेंट विद अ क्लाइंट एट 10:30। और जो सेकंड हैव, तो आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। तो आई होप गाइज यू ऑल अंडरस्टैंड दिस ऑल कंफ्यूजिंग वर्ड्स। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डोंट फोरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फोरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज कॉमेंट बिलो। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।